हेलो ऑल, आज हम जानेंगे एएसी ब्लॉक के बारे में। तो एएसी ब्लॉक क्या होता है? ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक होते हैं। ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले 1920 में स्वीडन में पाए गए थे, बनाए गए थे, जिसको हम इन्वेंट करना बोलते हैं, इन्वेंट किए गए थे। फिर 1940 में ये ड्यूरेक्स और सिप्रोक्स का कंपनीज वगैरह है, इसमें सबसे ज़्यादा ये एस्टेब्लिश अच्छी तरीके से इन लोगों ने इसको वर्ल्ड वाइड फेमस करा था। इंट्रोडक्शन की बात करें, एएसी ब्लॉक जो है हमारा, ये पोर्टलैंड सीमेंट का बना हुआ है। फाइन एग्रीगेट वाटर और एक्सपांडिंग एजेंट के थ्रू इसको हम बनाते हैं। ऑटोक्लेव प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एयर वॉइड्स इन द मटेरियल, मेकिंग इट लेस डेंस, इजी टू कट, मोल्ड एंड बेटर इंसुलेटिंग। जो हमारा ऑटोक्लेव प्रोसेस जो होती है, इसमें क्या होता है, आप जब हम मटेरियल को बनाते हैं तो उसमें एयर वॉइड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये इजीली हम इसको कट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड मोल्ड में हम जिसको जो हमारा एक रिक्वायर्ड मोल्ड होता है ब्रिक का, उस मोल्ड में हम इसको लेके आ सकते हैं। और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग और इसमें हीट भी कम कंज्यूम होती है। साथ साथ में ऑटोक्लेव जो होता है वो इस टाइप का आपको दिखेगा, ये ऑटोक्लेव आपको ब्रिक्स दिखेगी, जस्ट लाइक ए फ्लैश ब्रिक्स। ऑटोक्लेव ब्रिक जो है 55% हमारा वेट रिड्यूस कर देती है हमारी बिल्डिंग के अंदर, इसलिए आजकल ये जो ब्रिक्स है, ऑटोक्लेव ब्रिक्स, बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर या हाई स्काईपर्स बिल्डिंग के अंदर इसको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम इसमें 70% जो है हम इसमें यूज़ कर रहे हैं फ्लाईएश, और फ्लाईएश की वजह से ये हमको इफ़ेक्ट करती है हमारे एनवायरमेंट पे भी, जस्ट लाइक जो टेम्परेचर वगैरह है उसको भी ये मेंटेन करती है। एकॉस्टिक में भी हमको हेल्प करती है, ये ऑडिटोरियम में जहाँ आपको वाटरप्रूफ जो को सॉरी साउंड प्रूफ जो आपको बनाना है, वहाँ पर भी आप इसको इस टाइप की ब्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फायर रेजिस्टेंस में भी आपको वो ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लाईएश से बनी हुई है, इसलिए है फायर रेजिस्ट ब्रिक रहेगी हमारी ये। अनलाइक द नॉर्मल कॉन्क्रीट वेयर द प्रेजेंस ऑफ कोर्स एग्रीगेट लीड्स टू डिफरेंशियल रेट्स ऑफ एक्सपांशन, क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेशन। तो क्या होता है, नॉर्मली जब हम लोग गिट्टी वगैरह यूज़ करते हैं, एग्रीगेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको वो एक्सपांशन को लेके आता है, इसमें ये समस्या हमको बिल्कुल भी नहीं दिखती है। वेंटिलेशन के पर्पस में यूज़ की जा सकती है, एनर्जी सेविंग में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो आपको टेम्परेचर चाहिए वही टेम्परेचर आपको ये आपको मेंटेन रखेगी, इनर का इनर रहेगी और आउटर का आउटर ये मेंटेन टेम्परेचर रखेगी। जस्ट लाइक कि अगर विंटर रहेगा तो आपकी जो कोल्डनेस वो आपकी जो जैसे यहाँ दिख रहा है आपको फिगर के अंदर, बाहर विंटर है तो कोल्डनेस आपकी बाहर रहेगी, आपको अंदर जो महसूस होगा वो हीटिंग महसूस होगा। अगर आपके यहाँ बाहर गर्मी है तो आपको जो अंदर महसूस होगा वो ठंडा महसूस होगा। ये इस तरह से इसका जो वेटेज है इसका नॉर्मल कंपेरिजन फ्रॉम द नॉर्मल ब्रिक, इसलिए अच्छी है। साइड पे असेंबली में बहुत इजी रहती है, क्योंकि लाइट वेट रहती है, लोडिंग अनलोडिंग में इसमें आपको आसानी रहेगी। साथ साथ में एक्यूरेट रहता है, क्योंकि बाय हेल्प ऑफ मशीनिंग ये बनती है, और हम इसके अंदर जो लाइट मोटर यूज़ करते हैं इसकी लाइफ वो भी ज़्यादा है कंपैरिजन फ्रॉम द कन्वेंशनल ब्रिक। अब कंपोजिशन की बात करें हम इसका, 50-60% इसमें आपको फ्लाई एश है, 33% इसमें हम लोग सीमेंट यूज़ करेंगे, 8% इसमें लाइम यूज़ करते हैं, और एल्यूमिन पाउडर रहता है आपका 0.07% के आसपास में एल्यूमिन पाउडर रहता है। अब बेसिक इसके अगर हम लोग इनिशियल इसकी एक जनरल मैंने एक चार्ट बनाया है, ये उसमें आपको जो प्रोसेस दिख जाएगी एक जनरल इसमें, कि आपकी ये साइलोज हैं, आपके मटेरियल बन इसमें रखे हुए हैं, सैंड है, सीमेंट है, लाइम है, इन सबको हम एक्सपांडिंग एजेंट के साथ वाटर के साथ में इसको मिक्स करेंगे, और ये मिक्सर के अंदर यहाँ पर ये रॉ मेटल होके आ जाएगा। फिर स्लरी जो रहेगी वो हम पोर करेंगे यहाँ पर, जो थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ स्लरी पोर करेंगे, फिर इसको रिक्वायर्ड जो मोल्ड है उसके अंदर हम लेके आएंगे, आपका ये मोल्ड बन के तैयार हो गया है। फिर जो रिक्वायर्ड मोल्ड है आपको उसको हम आपको जो रिक्वायर्ड शेप है उस शेप में लेके आएंगे, उसके बाद आप इसको ऑटोक्लेव के लिए इसको आप आगे की तरफ भेजेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स है इसमें, केक इज़ नॉट इनटू ब्लॉक और पैनल एंड वेस्ट इन रिसाइकल्ड अनक्योर्ड एएसी ब्लॉक प्लेस इन ऑटोक्लेव, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देन क्योर्ड एएसी रिमूव फ्रॉम ऑटोक्लेव, एएसी श्रिंक रैप्ड एंड प्लेस इन
प्लेटलेट्स जो आपको यहाँ पर प्लेटलेट्स दिख रही है, और इस तरह से हमको ये ट्रांसपोर्टेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर एक प्रोसेस आपकी इधर जा चुकी है, और दूसरी जो प्रोसेस चलती है आपकी यहाँ मोल्डिंग डीमोल्डिंग की चलती है। जो आप मोल्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो वापस से आप रीमोल्ड करके आप वापस अपने प्लांट पे यहाँ जो आपकी मिक्सर मशीन वहाँ पर ला सकते हैं, और ये फाइनली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो यहाँ पर आपका एंड हो जाता है। ये ऑटोक्लेव आपकी मशीन रहेगी, इस तरह से आपकी मशीन से आपका ये मटेरियल बाहर आ रहा है। देन ये जो मैंने आपको बोला है इसमें एक्सपांडिंग एजेंट्स रहते हैं जिसके थ्रू बबल्स बन जाते हैं, और ये आपको एक्सपांडिंग एजेंट्स दिख रहे हैं। देखा आप इसमें देखिए इस स्केलिंग वगैरह आपको दिख रही है कितने ये बबली टाइप के रहते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी रेंज की बात करेंगे हम लोग तो वो 300 to 800 kg पर मीटर क्यूब रहेगा इसका, जो मैंने सोर्स RILMA से निकाला है। ये इसकी डेंसिटी 350 के आसपास रहेगी। ये लोअर डेंसिटी में थर्मल इंसुलेशन के प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। पोरोसिटी इसकी रहती है, जो कैपिलरी पोर्स रहते हैं वो पोर्स जो इसकी पोरोसिटी रहती है वो भी अच्छी खासी रहती है। परमेबल भी रहता है ये, पर परमेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि इसमें आप पानी डालेंगे आर पर इसमें पानी हो जाएगा, पर इसकी परमेबिलिटी कंपेरिजन फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्क्रीट ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें पोर्स रहते हैं। कंपोजिशन में केमिकल फॉर्मल की बात करी जाए तो उसमें ये इसका टोर्बोमोराइट और SEM स्ट्रक्चर के अंदर इसे क्रिस्टलाइन जो रहते हैं वो 13.3 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास क्रिस्टलाइन आते हैं। जब आप इसमें एक्सरसाइज टेस्ट वगैरह करते हैं या फिर SEM वगैरह टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 50% ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ आएगी कंपेरिजन फ्रॉम द हमारे नॉर्मल ब्रिक्स से, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी। थर्मल कंडक्टिविटी जैसे मैंने बताया इसकी अच्छी है, और लास्ट ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी रहेगी क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये इससे कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी, आप ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, मॉडल इलास्टिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। क्लेश फ्लाइश ब्रिक से कंपैरिजन करें हम इसको, सॉरी AAC ब्लॉक का कंपैरिजन करें क्ले ब्रिक से, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी ये आपकी AAC ब्लॉक, और ये नॉर्मल हम जो हमारी ब्रिक्स रहती है उसको हम हमारे अर्थ से निकालते हैं। वेट ज़्यादा रहता है, वेट कम रहता है, इजिली नेल्ड अप नहीं होती है, रिक्वायर्ड शेप्स प्रॉपर शेप साइज में आती है, तो इस तरह से कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। और AAC ब्लॉक बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो बनाए जाते हैं वो सूरत के आसपास बनाए जाते हैं, और इसके अलावा आजकल तो हर जगह पे इसके आपको प्लांट मिल जाएंगे। और नॉर्मल जो AAC ब्लॉक का पर कॉस्ट आता है वो 65 रुपये के आसपास आता है पर पीस। इसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें थोड़ा सा इसमें, अगर प्लांट पे माल ख़त्म हो जाता है तो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, और अभी ये ज़्यादा फैमिलियर नहीं है हमारे लोकल एरिया में, तो इस तरह से अभी इसके बारे में ऑटोक्लेव के बारे में अभी जैसे मैं कहूँगा प्लांटिंग का काम है, थोड़ा प्लांट इसका जो महंगा पड़ता है इसलिए इसको लोकल घरों में इसको प्रीफर नहीं किया जाता है। और लास्टली ऑटोक्लेव कॉन्क्रीट ब्लॉक इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल कॉन्क्रीट इन द मिक्स मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज़। Though the compressive strength of autoclave aerated concrete is less than that of concrete, AAC block possesses many beneficial factors such as lower density, enhanced thermal and sound insulation and reduced dead load. तो ये सबसे ज़्यादा इसका बेसिक जो फ़ायदा है ये इसका फ़ायदा रहेगा। इस तरह के आगे लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो कहीं पे बनाना है आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू।